देखिए ये तो सबसे आश्चर्यजनक बात है और जरा इस भयावह स्थिति को भी समझने की जरूरत है कि लालू प्रसाद यादव जी के डॉक्टर के वार्ड से कोरोना पेशेंट का निकलना और फिर उनके सारे लोगों को क्वारंटाइन करना, ये हम लोगों के लिए बहुत, ये पूरे राष्ट्रीय जनता दल के इस वक्त भय की स्थिति बनी हुई है। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार गंभीर रूप से पीड़ित लोग और ऐसे लोग जिनको कि पेरोल मिलना चाहिए उनको पेरोल का ऑलरेडी आदेश दिया हुआ है और इतना होने के बावजूद उनको पेरोल पे नहीं छोड़ना, ये हम सबों के लिए बहुत दुखद और आश्चर्यजनक है। सबसे स्थिति डर इस बात की है कि अभी जो परिणाम बने हुए हैं, अब जैसे उनका अभी सैंपल लिया जाएगा, चेक किया जाएगा, ये अंदेशा हम बहुत पहले से हम सारे कार्यकर्ता जता रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए उन्हें पैरोल दिया जाए या फिर जो भी उनकी अच्छी व्यवस्था की जाए। सरकार इस पर ध्यान नहीं दी है और इस बात का बहुत दुख है और मुझे डर है, ये कहने से भी मुझे कोई परहेज नहीं है, सोची समझी साजिश भी है। तो बहुत पहले से भी, जब से यहाँ 5-7 कोरोना पॉजिटिव आया था उसी वक्त से डिमांड किए थे हम लोगों ने, क्योंकि संक्रमित बढ़ता ही जा रहा था और उस वक्त भी हमने कहा था कि जब एक संक्रमित मिलता है तो 3 किलोमीटर एरिया को सैनिटाइज किया जाता है, जबकि लालू जी के वार्ड से 3 मीटर भी नहीं है और उनको सरकार पैरोल नहीं दे रही है। इससे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दोष है या कुछ दोष इसी तरह हो रहा है, जो कि पैरोल देना, चूँकि सर्वोच्च न्यायालय का भी जो गाइडलाइन था कि 70 साल प्लस पार कर चुके हैं और ज़ईफ़ी की हालत में हैं और इनको पैरोल देना, ये कहीं ना कहीं माने बदले की भावना लग रही है, क्योंकि अगर इनके ऊपर अगर साफ अगर रहता हमदर्दी रहता तो ज़ईफ़ी के आलम में इनको पैरोल देने में सरकार को किसी तरह की कठिनाई या दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, चूँकि राज्य सरकार के अंतर्गत ये पैरोल देने का अधिकार क्षेत्र है और गाइडलाइन भी सुप्रीम कोर्ट का मिला हुआ था, इसलिए कहीं से रोकने की कोई संभावना था ही नहीं। लेकिन हम लोग को कहीं ना कहीं माने ये शक के दायरे में चला जा रहा है, चूँकि आज संक्रमित बढ़ गया, चूँकि उनके वार्ड का जो ये टीम है वहाँ भी पॉजिटिव मिला, अब क्या उन पर ही हो जाएगा, अभी उनको जाँच करने की बात हो रही है, तो क्या चाह रहे हैं, या तो इनको ये, चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ये सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं, कोई बात नहीं है, नेशनल लीडर हैं हिंदुस्तान के और इनकी जो कभी माने कमी पूरा नहीं हो सकता है और इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार भी हम लोगों की है और ये सीएम खुद फैसला ले सकते हैं और पैरोल दे सकते हैं, इसमें किसी तरह का कोई अड़चन की बात ही नहीं, लेकिन पता नहीं सीएम क्या सोच में है और उनको पैरोल नहीं दे रहे हैं। झारखंड का नंबर 1 एकमात्र संस्थान NIPM साई टावर 4th फ्लोर सर्कुलर रोड।